विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है इनफाइनाइट रेडिकल इक्वेशन है ये। तो ये स्क्वेयर रूट ऑफ 6 प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जो गिवन है वो लिख लेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वेयर रूट प्लस डैश। तो हम इसे x के नाम देंगे, दिस इक्वल्स x समझ लो। तो अभी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तभी क्या बनते हैं, ये भी स्क्वेयर बनेगा और x भी स्क्वेयर बनेगा, ठीक है। तभी ये x स्क्वेयर पहले हम लिख लेंगे, x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वेयर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब बचते क्या, 6 फर्स्ट का 6 बच रहे हैं, इसको स्क्वेयर नहीं है, लेकिन प्लस होने के बाद ये सबको स्क्वेयर है। तो 6 प्लस स्क्वेयर रूट 6 प्लस स्क्वेयर रूट 6 प्लस अप टू डैश। एक्स इक्वल्स क्या था, दिस इक्वल्स एक्स है समझ लो, एक्स है ये, क्योंकि हमने पहले एक्स इक्वल्स पूरा इक्वेशन ये जो गिवन है वो एक्स समझ लिया था। तो इसका मतलब गिवन के जैसे ये रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिट है। तो ये इतना सब कुछ क्या है, ये एक्स है। इसका मतलब एक्स स्क्वेयर एज यूजुअल प्लस इक्वल्स 6 प्लस ये एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर एज यूजुअल ये प्लस एक्स, ये साइड में लो माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 6 ये साइड में लो माइनस 6 बनेगा, दिस इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फैक्टरिंग एंड ग्रुपिंग, इससे सॉल्व करेंगे। तो माइनस 6 है, तो माइनस 6 को अगर हम फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 बनते हैं। तो हमें चाहिए माइनस एक्स इधर, तो ये माइनस 6 है, तो ये माइनस एक्स मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कर दो तो माइनस 1x बनेगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये ग्रुपिंग कर दो इसमें, तभी x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 यहाँ पर बच रहे हैं, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा इधर, इधर x माइनस 3 यहाँ पर बच रहे हैं, दिस इक्वल 0। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो इधर भी x माइनस 3 है, इधर भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो ये x प्लस 2 दिस इक्वल 0। इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 1 बन रहे, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 1 बन रहे। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स ये राइट साइड में लो, तो x इक्वल्स 3 बनते हैं, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, ओके। ये x 3 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स ये राइट साइड में लाया, तो x इक्वल्स नेगेटिव 2 बनते हैं, ये नेगेटिव 2 स्मॉलर देन 0 है। तो इसलिए x स्मॉलर देन 0 रहने की वजह से हमारे पास x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। Therefore, ये x equals माइनस 2 जो है इसे हम रिजेक्ट करेंगे, और x equals जो 3 है इसे एक्सेप्ट करेंगे, ओके। Therefore, x equals 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर यहां पर रखेंगे, x इज equals टू 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।